इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, देश का हाल पैसों के मामले में। अगर ठीक से समझो तो देश में सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। इकोनॉमी का लॉजिक सिंपल होता है, कमाई और खर्च। सही जगह पे खर्च करो ताकि उससे कमाई बढ़ सके। और इस इकोनॉमी का शायद सबसे बड़ा पार्ट टैक्स होता है, क्योंकि सरकारों का ज्यादातर पैसा टैक्स से ही आता है। और 1 जुलाई 2017 को इंडिया का यही टैक्स सिस्टम बदल दिया गया, जहाँ पे 17 अलग अलग तरीके के टैक्सों को मिला के एक कर दिया गया, GST। और उस दिन से आज तक इस पे बहस खत्म नहीं हुई है कि ये सही था या गलत। पर वो समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या और क्यों लाया गया, वो भी बिना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और किताबी बातों के। तो क्या हाल है आप सबके, स्वागत है आप सबका चिम्प्रो की ओरिजिनल सीरीज सरकारी मुद्दा में। एक ऐसी सीरीज जहां पे हम हर बढ़ते एपिसोड में आजाद भारत की सरकारों के थ्रू लिए गए एक फाइनेंशियल डिसीजन को एनालाइज करते हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में डिमोनेटाइजेशन, LPG और ग्रीन रेवोल्यूशन को तो एनालाइज कर लिया, तो आज का ये चौथा एपिसोड GST के ऊपर। हम बहुत ही आसान भाषा में और एक कहानी की तरह ये पूरा GST समझेंगे बिना GST की कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन सिर्फ चीजों के दाम पे होगी ताकि हम ठीक से समझ सकें, और कोई किताबी बात नहीं। अगर आपको ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स इतनी सिंपल भाषा में सुनना पसंद है तो चिम्प्रो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें इस चैनल को बहुत आगे लेके जाना है और हर एक सब्सक्राइब मैटर करता है। तो चलिए चिम्प्रो में। सबसे पहले ये समझो कि 1 जुलाई 2017 से पहले होता क्या था। देश में कोई भी सामान बनता है तो डायरेक्टली तो आपके पास पहुंचता नहीं, बीच में 2-3 मिडलमैन होते हैं। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भी हो सकते हैं और आपके आसपास के दुकानदार भी हो सकते हैं। मान लो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने एक पैकेट बिस्किट 100 रुपए का बनाया, उसमें वो 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता है। तो पहले क्या होता था, प्रॉफिट ऐड करने के बाद 12% एक्साइज ड्यूटी और 12.5% वैट ऐड होता था। सुनते रहो, मुझे पता अभी कम समझ में आ रहा होगा, बट सुनते रहो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये बिस्किट का पैकेट कंपनी जब बड़े बिजनेसमैन को बेचेगी तो 138 रुपए एक पैकेट का बेचेगी। अब वो बड़ा बिजनेसमैन आपको सामान बेच रहा है, उसमें वो अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लो 10 रुपए और 12.5% का वैट, इसको एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी। तो ये बिस्किट का पैकेट जो कि 100 रुपए का बना था, आपने खरीदा 152 रुपए का। देखो, ये वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे टैक्स होते थे जो कि पहले सामानों पे लगते थे। सामान बिकेगा तो सरकारों को टैक्स देना पड़ेगा। ये कौन सा टैक्स क्या होता है, क्यों लगता है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम थी। जैसा कि आपने देखा, 100 रुपए की चीज 152 रुपए की हो गई, और पे कौन कर रहा था, हम और आप। एक और प्रॉब्लम थी, ये सारे रेट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग थे। मान लो UP में मोबाइल्स पे 12% का वैट लग रहा है तो गुजरात में 7% का, छत्तीसगढ़ में फ्रूट जूस पे 15% की एक्साइज ड्यूटी लग रही है तो केरला में 5% की। इसके ऊपर से अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज के पास पूरी लिबर्टी थी कि वो अपना कोई भी टैक्स बना के लगा सकते थे। आप हिमाचल के हो, आप मध्य प्रदेश गए, आपको कोई नया ही टैक्स देखने मिल रहा है। जो चिप्स का पैकेट आप वहाँ 30 रुपए का खरीद रहे थे, यहाँ 55 रुपए दे रहे हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था और इस वजह से टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि जब सिस्टम खुद क्लियर नहीं है वो किस क्लैरिटी से टैक्स लेगा, और लोग तो क्या ही क्लैरिटी देख के टैक्स देंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि पूरे देश में एक टैक्स लगेगा। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो टैक्स जो सामान और सुविधाओं पे लगेगा। पर ये है क्या? देश में जितना भी सामान बिक रहा था और सर्विसेज दी जा रही थी, उसकी एक लिस्ट बनाई गई जरूरतों के हिसाब से। जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, ये बहुत जरूरी है, और परफ्यूम्स, कार, ये कम जरूरी। उसके बाद इस पूरी लिस्ट को 5 अलग अलग रेट्स में बांट दिया गया, अगेन जरूरतों के हिसाब से। जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको 0% पे रखा गया, यानी उस पे कोई टैक्स नहीं होगा। जैसे दूध, सब्जियां, फल, उसके बाद 5% टैक्स जैसे कि चीनी, चाय पत्ती जैसी चीजों पे, फिर 12% टैक्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स पे, 18% टैक्स जैसे कि इंश्योरेंस, कंप्यूटर के मॉनिटर, पास्ता, और फिर सबसे ज्यादा लग्जरी चीजें 28% टैक्स पे जैसे कि सिगरेट्स, तंबाकू, कार, परफ्यूम। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। देश में हर सामान, हर सर्विस किसी न किसी टैक्स रेट में आता है। जितनी कम जरूरत है उस चीज की, उतना ज्यादा टैक्स। पर ये तो टैक्स रेट्स हैं, इससे वो पुरानी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है? इसलिए क्योंकि GST पूरे देश में सेम लगता है। सेम मोबाइल कोई कश्मीर में बेचे चाहे कन्याकुमारी में, 12% लगेगा तो 12% ही लगेगा दोनों जगह। और यही था वन नेशन वन टैक्स का लॉजिक। बहुत से लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, बोले कि जब इतने सारे इंटरेस्ट रेट है तो एक टैक्स कैसे हुआ। पर यहाँ पे वन टैक्स फिजिकल लोकेशन की बात हो रही थी कि पूरे देश में सेम चीज पे सेम टैक्स लगेगा। अब 2-3 चीजें ऐसी बताता हूँ जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी जानना GST के बारे में। जैसे पहला, GST से ज्यादातर चीजों के दाम कम हो गए, ज्यादातर, सब नहीं। जैसे अगर हम अपना वही बिस्किट वाला एग्जांपल लें, कंपनी ने 100 रुपए का बिस्किट बनाया, 10 रुपए प्रॉफिट ऐड किए और बिस्किट्स पे GST 18% है, तो वो बिस्किट बड़े बिजनेसमैन को बिका 129 रुपए का। अब ध्यान से सुनना, पूरा GST का कन्फ्यूजन इसी जगह पे है। अब वो बिजनेसमैन जब आपको सामान बेचेगा तो अपना कुछ प्रॉफिट और टैक्स ऐड करेगा, पर वो ये सब 129 रुपए पे नहीं करेगा, वो ये सब कुछ ऐड करेगा उस कीमत पे जिस पे टैक्स नहीं जुड़ा था, यानी
₹100 उस बिस्किट की कीमत और ₹10 उस कंपनी का प्रॉफिट। ₹110 पे ये बिजनेसमैन अब अपने चार्जेस जोड़ेगा, मान लो ₹10 अगेन इसका प्रॉफिट और उस पे 18% टैक्स, जो कि बनता है ₹141। जो बिस्किट 152 का मिल रहा था वहां पे वो अब 141 का मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज की वो ₹19 जो इस बिजनेसमैन ने GST दिया था कंपनी को, वो इस बिजनेसमैन को वापस सरकार दे देगी, क्योंकि इसने आपसे GST कलेक्ट कर लिया है। एक ही सामान पे दो बार GST नहीं लिया जाता, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पहले के तरीकों से। अब बस आगे कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके अलावा GST की वजह से टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा कम हो गई। कैसे? कि अगर इस बिजनेसमैन को वो पैसा सरकार से वापस लेना है तो उसके लिए अपना वो पक्का बिल दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस कंपनी से सामान लिया है। तो अगर कोई कंपनी बिना बिल के सामान बेचना चाहेगी तो बिजनेसमैन यूजुअली मना कर देंगे, क्योंकि उन्हें सरकार से पैसा मिलना है, वो क्यों अपना नुकसान सहेंगे। और अगर पक्का बिल दे दिया और उस कंपनी ने अपना टैक्स नहीं भरा तो सरकार को पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो बिजनेसमैन है ये अपना पैसा क्लेम करने के लिए सारी डिटेल सबमिट करेगा GST के पोर्टल पे, और सरकार को पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुई है और इस कंपनी ने हमें टैक्स नहीं पे किया। क्योंकि इस लूप में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं और ज्यादातर लोग अपना पैसा क्लेम करते हैं तो बीच के डिफॉल्टर्स तुरंत पकड़े जाते हैं। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ये GST आधा आधा बटता है। बिस्किट पे आपने 18% GST दिया तो 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए कई बार आपने बिल में देखा होगा SGST, CGST, IGST, UTGST, ये कुछ नहीं है, घबराना नहीं, 2-3 गुना आपको टैक्स नहीं लग रहा है, ये बस दिखाया जा रहा है कि किस सरकार को कितना टैक्स जा रहा है, आपको लगेगा उतना ही जितना लगना है। अब कोई भी स्कीमों सिर्फ फायदे फायदे तो होते नहीं है, नुकसान भी होते हैं। GST के कुछ नुकसान भी दिखे। पहला कि छोटे बिजनेसेस को बहुत टाइम लगा ये सब समझने में, उन्हें अकाउंटिंग की टैक्स की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो उन्हें बहुत टाइम लगा ये सब अडॉप्ट करने में, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ उनका, पर अब सिचुएशन काफी बेटर है। दूसरा कि GST का वो आधा हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। जब कोई सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिकता था तो स्टेट GST उस स्टेट को मिलता था जिस स्टेट में सामान बिका है, ऐसे में सामान बनाने वाला स्टेट तो निकला, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सामान बनाने वाले स्टेट के लिए। इसे अभी तक परफेक्ट नहीं किया गया है, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जहां पे उस बनाने वाले स्टेट को भी बहुत ज्यादा शेयर मिल रहा है। तीसरा कि सामान और उस पे लग रहा टैक्स, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। लोग बहस करते हैं कि इस सामान पे क्यों 18% लग रहे हो, इसे तो 12% पे होना चाहिए, या इस पे क्यों 28% लग रहा है, इसे तो 5% पे होना चाहिए। किस सामान पे कितना टैक्स लग रहा है, इससे ये समझ में आएगा कि पहले के कंपैरिजन में कोई चीज महंगी हुई है या सस्ती। याद है मैंने बोला था कि ज्यादातर चीजों के दाम सस्ते हुए हैं, सारे नहीं, कई सामानों के दाम बढ़ गए हैं अगर आप GST को पिछले प्रोसेस से कंपेयर करोगे तो, और ये एक ठीक सिचुएशन नहीं है। इस सब पे लगातार काम चल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने आपको बहुत आसानी से बताने की कोशिश की है कि GST क्या होता है, क्यों होता है और सारी चीजें। अगर आपको जानना है कि किस सामान पे कितना GST लगता है तो उसकी पूरी लिस्ट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और आपका कोई भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट करके बताना। हम वीडियो डालने के 2-3 दिन बाद अपने इंस्टाग्राम पे एक जनरल Q&A करते हैं, जिसमें हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।